हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज जो है हम जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं भारत के साथ बहुत सारी कंट्रीज की, तो उसको हम पढ़ने वाले हैं। और अगर आपने इसका पिछला वाला लेक्चर यानी कि पार्ट वन अगर नहीं देखा है तो इस वाले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लिंक मिल जाएगा, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो अगर आप जो है जान लेते हैं कि आज कौन कौन से एक्सरसाइजेस हम पढ़ने वाले हैं जो कि भारत के साथ में अदर अदर कंट्रीज की होती हैं, ठीक है? तो चलो अब हम यहाँ पर लिखेंगे और आपको भी साथ में लिखते चलना, ठीक है? तो देखो, सबसे पहला जो एक्सरसाइज होता है भारत का, उसका नाम क्या है? युद्ध अभ्यास। एक्सरसाइज का नाम ही क्या है? युद्ध अभ्यास, ठीक है? होती किसके साथ में? यहाँ पर मैं हेडिंग डाल दे रही हूँ इंडिया की, ठीक? और यहाँ पे जो मैं कंट्री यानी कि देश का नाम लिखूंगी वो इंडिया के साथ में होगी, ठीक है? युद्ध अभ्यास होती है किसके साथ? भारत और अमेरिका के साथ में, ठीक? दूसरा जो यहाँ पर कौन सा एक्सरसाइज है जिसका नाम क्या है? ज्वाइंट सी, ठीक है? ज्वाइंट सी एक्सरसाइज। और ये जो एक्सरसाइज है किसके साथ में होती है? चाइना और रशिया के साथ में। ये तो खैर इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको यहाँ पर क्रॉस भी मार सकते हो, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद आती है मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज, ये जो मालाबार एक्सरसाइज है ये क्वाड देशों की एक्सरसाइज है। और क्वाड में कौन कौन से देश आते हैं? इसमें चार देश आते हैं, भारत आता है, ठीक, जापान आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है और यूएसए आता है यानी कि अमेरिका, ठीक है? यूएसए, ठीक। तो यहाँ पर क्वाड, आप ये जो मालाबार एक्सरसाइज है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, स्किप मत करना, ठीक है? उसके बाद मालाबार के बाद क्या है? अजय वॉरियर एक्सरसाइज। अजय वॉरियर, ठीक है? अजय वॉरियर ये किसके साथ होती है? यूपी यानी कि यूनाइटेड किंगडम के साथ में। किसके साथ? भारत के साथ, ठीक है? उसके बाद एक्सरसाइज है जिमेक्स, जिम, ठीक है? ये किसके साथ होती है? भारत के साथ में, जापान की। किसके साथ में होती है? जापान की, ठीक है? स्क्रीनशॉट मारो जल्दी से, तो नोट कर लिया इतना। अब देखो उसके बाद कौन सी एक्सरसाइज है जिसका नाम क्या है? जापार्ड। क्या है? जापार्ड। ये किसके साथ होती है? रशिया के साथ में, भारत की, ठीक है? उसके बाद सेकंड इंदिरा एक्सरसाइज, ठीक है? ये भी किसके साथ होती है? रशिया के साथ में। याद कैसे करोगे? आई एन डी आर ए, आई एन डी से इंडिया, आर ए से रशिया, ठीक है? उसके बाद क्या है? काजिन। क्या है? काजिन। ये किसके साथ में होती है? काज मतलब क्या हो जाएगा? कजाकिस्तान, ठीक है? ऐसे याद करने का तरीका है, ठीक। बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं जिसको हम याद नहीं कर सकते, तो जिसका ट्रिक बने ट्रिक बना लो। काज से हो जाएगा कजाकिस्तान, इंडिया से इंडिया, ठीक है? उसके बाद कौन सी एक्सरसाइज है? यहाँ पर लिखा है ऑसी इंडेक्स। क्या है? ऑसी इंडेक्स। ये जो एक्सरसाइज है देखो, आई एन डी से इंडिया, एक्सरसाइज ऑसी मतलब ऑस्ट्रेलिया, ऐसे याद किया जाता है, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया के साथ, ओके। उसके बाद देखो कौन सी एक्सरसाइज है, समुद्र शक्ति। क्या है? समुद्र शक्ति। ये होती है किसके साथ में? भारत की, इंडोनेशिया। इसके साथ में भारत की, इंडोनेशिया के साथ में, ठीक है? तो इतना हो गया, इसका भी क्या मारो स्क्रीनशॉट, ठीक। तो इतना नोट कर लिया आपने, कितने एक्सरसाइजेस नोट करें? टोटल 10, ठीक है? अब देखो हम फिर से पांच एक्सरसाइज का यहाँ पर नाम लिखेंगे। सबसे पहला नाम यहाँ पर क्या लिखा है? ज़ैर अल बहर। ये जो है इंडिया के साथ में होती है किसकी? कतर की। कतर की कैपिटल कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक। यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क कर दूँ ताकि आप भूलोगे, कतर की कैपिटल कमेंट बॉक्स, ठीक। उसके बाद क्या है? कोंकण एक्सरसाइज। कोंकण एक्सरसाइज ये होती है किसके साथ में? यूनाइटेड किंगडम के साथ, यानी कि यूके। उसके बाद क्या है? सी कैट। सी कैट ये होती है किसके साथ? सिंगापुर की, ठीक है? अब देखो कौन सी एक्सरसाइज है यहाँ पर? सी कैट हो गया सिंगापुर, ठीक। उसके बाद क्या है? जायद तलवार। क्या है? जायद तलवार, ये जो है इम्पोर्टेंट है थोड़ा। ये किसके साथ में होती है? भारत की, यूएई के साथ में, ठीक है? उसके बाद कौन सी एक्सरसाइज है? कॉर्पेट। कॉर्पेट, कॉर्पेट एक्सरसाइज होती है भारत के साथ में किसकी? इंडोनेशिया की, ठीक है? उसके बाद जो है कौन सा है? हाँ वरुण। देखो जो है यहाँ पर सिक्स नंबर में नाम दे रही हूँ, इसका नाम क्या है?
कवच, ठीक है, कवच एक्सरसाइज जो है ये किसके बीच में हुई, कहाँ पर थी, अंडमान सी में, ठीक है। ये आपसे जगह पूछ सकता है इसमें कि अंडमान कौन सी एक्सरसाइज यहाँ पर हुई थी, अंडमान सी में कवच नाम की एक्सरसाइज कहाँ पर हुई थी, तो आप आंसर करेंगे क्या, अंडमान सी, ठीक है। तो मैंने आपको जो है टोटल, आप देखो कितना हो गया है टोटल, आप काउंट कर लिया होगा अपनी कॉपी पर, जिस अगर आपने नोट किया होगा तो टोटल मैंने 20 लगभग 20 जो है 16 या 17 एक्सरसाइजेज आपको बताई हैं। इसमें से जितने भी मैंने आपको बताए सारे रट डालो, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये आज है पार्ट टू, इसके पहले था पार्ट वन, अगर आपने वो नहीं देखा जिसमें मैंने ये बताया था कि भारत के जो पड़ोसी देश है उनके साथ भारत की कौन कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं, वो जो है मैंने आपको बताया था। अगर आपने कल वाला लेक्चर देखा था तो जो है आज इस वाले लेक्चर के अंदर जो मैंने कल एक्सरसाइजेस पढ़ाई थी उसका आंसर आपको, सारे आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, ठीक है। तो जो मैं आपको ये बोलती हूँ ना कमेंट बॉक्स में लिखो, इससे क्या मतलब होता है, मतलब ये होता है कि आप लोग हाँ वीडियोस देखते हो, ठीक है, देखने के बाद आप उसको पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, तो इससे ये पता चलता है कि हाँ आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो। अगर आप देखो कोई यहाँ पर तैयारी जो है वो कोई मजाक नहीं है कि आपने हाँ बस सोच लिया और हो गया, बहुत ज़्यादा मेहनत करो अगर आपको कुछ करना है, ठीक है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो अपने माँ बाप के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने घर वालों के लिए, तो जो है मेरी रिक्वेस्ट है बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, कंपटीशन बहुत टफ हो रहा है इस टाइम, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सकता है आप सिलेक्शन ले लो, क्योंकि हर एक साल कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक। तो जितना जल्दी आपका सिलेक्शन होता है उतने जल्दी आपको प्रॉफिट मिलेंगे, ठीक। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियोस में, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।